ये महर्षि की है ना, जब किसे भेज रही थी? वो मैं इस फाइल की बात कर रहा हूं। ये फाइल वो मैं गलती से लेके आ गई थी। आई एम रियली सॉरी। थैंक गॉड बाबा जी, बच गए। अगर कहीं पता चल जाता तो पापा। लुईस में क्या है? पता नहीं मामा, यार मैं तो नहीं पता मैं कौन सा कौन जादूगर है। मैं कुछ लगते खाने पीने का सामान होगा, पर मेरे को एक आइडिया आया। चल हम इस टोकरी को घेर देते हैं। ओके चल। धक्का मार रहे हो मेरे को? जी कश्मीरी सेब मेरे फेवरेट, एक बाइट लीजिए ना। महेश जी एक बाइट तो ले लीजिए प्लीज। क्या हुआ महेश जी, आप इतनी परेशान भी लग रही? पता नहीं सुरभि जी, बट मेरा मन बहुत घबरा रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे कुछ गलत होने वाला है। और वैसे भी कल जो कुछ भी हुआ उसके बाद मुझे नहीं लगता कि संदूष चुप रहने वाले। शेरनियां होती है ना, वो कभी घबराया नहीं करती, और खास करके तब जब शेर उनके साथ। और जहां तक इन संदों की बात है, तो जब मेहर और सरब हो संग तो जीत लेंगे कोई भी जंग। मेहर और सरब हो संग तो जीत लेंगे कोई भी जंग। जानती है मेहर जी, आपके बिना मेरे लिए कोई भी फैसला लेना कितना मुश्किल है। हर गुजरते पल के साथ वक्त मेरे हाथों से पेट की तरह फिसल रहा है। कैसे कैसे लूं ये फैसला मैं? कैसे चुनूं आप दोनों में से किसी एक को? कैसे? काशी जो कुछ भी हुआ है ये सब कुछ होता ही ना। काश मैं थोड़ा सा और अलर्ट होता तो आज आप यहां होती ना, तो आप दोनों में से मुझे किसी एक को चुनना ही ना पड़ता। काश मैंने थोड़ा और ध्यान दिया होता। आपने कितना ध्यान देके इतने कम वक्त में इतना बढ़िया अरेंजमेंट, वाह। वो अपनी वंडरफुल सास का जवाई जो हूं।
सत श्री अकाल मम्मी जी। उस मोटी हथनी गिन्नी ने मेरी बेइज्जती की और तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ओ यार मेरे को ना शौक नहीं है जनानियों में पंगे पड़ने का। ये शर्म ना होवे ता शादी से पहले तो बोला ना एक बार ये जनानियों वाली बातें मुझे ना बताया कर। ओ पिट्टू क्या ना बताया कर राणा वो ओ मेरी शेरवानी कितना लग रही। ओए होए एकदम कैट हीरो लग रहा। अपने रूम में जाओ मैं तुम्हारे लिए एक नई शेरवानी भिजवाती हूँ। क्या चेंज कर ले दूसरी पाला है। ओ मैं चेंज नहीं करनी मैं रूम में जाके इसको ठीक करता हूँ। तू रुक मैं आता हूँ। राणा आ रहा है। जा राणे आ जा छेती आ जा फिर करता हूं तेरा वेलकम। सत श्री अकाल पार्टी जी। हां जी आनंद कारज ठीक 2 बजे होना है। आहो डेट से बच गया। ठीक है फिर चंगा सत श्री अकाल। कौन है वहां। मेहर तुम यहाँ क्या कर रही हो। सारे गेस्ट तो नीचे हैं। तुम्हें तो नीचे होना चाहिए था ना। और ये क्या है। मैंने कितनी बार सर्वेंट्स को बोला है गुलदस्ता रास्ते में नहीं रखना बट स्टिल क्या क्या हो। ये लो शेरवानी। शेरवानी पहनकर रेडी हो जाओ और एंड टाइम पर सहरा पहन के नीचे आ जाना। हाँ ठीक। एंड लिसन दिस इज योर लास्ट चांस ओके। हंस लो कुलवंत और हंस लो क्योंकि इसके बाद तो तुम्हें सिर्फ रोना ही है। मेरी पुड़ी नो इनकी पास रेड बॉल ड्रॉप हो गई है। हम इन्हें ओटी लेके जा रहे हैं। गुड न्यूज है मेहर की पल्स रेट डाउन हो गई है। फिर तो उसे ओटी ले गए होंगे। हाँ उसको अभी ओटी लेके गए हैं। मेरी मम्मा।
ना पुत्र ना, उस शेर पुत्र कभी रोते नहीं। आ नानी को आ, आ तू नानी का शेर पुत्र है। कुछ भी हुआ उसमें आपकी कोई गलती नहीं थी। मैं मम्मा और छोटे बेटी को कोई भी हुई 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 तो परम बात रोएगा, परम बात रोएगा, मैं तो रोएगा, परम बात रोएगा। परम मत कभी नहीं रोएगा, पता है क्यों? क्योंकि परम के घर छोटा बेबी आने वाला है। सत श्री अकाल संधू जी। सत श्री अकाल। घर आया मेहमान भगवान होता है, फिर दुश्मनी क्यों ना। जी आया अनु, किन्नी और राणा को आशीर्वाद देने आए या फिर अपने किए की माफी मांग। दोनों के लिए। सत श्री अकाल जी। पाठी जी नहीं आए। क्या पाठी जी अभी तक नहीं आए? महर जी, मैंने आपसे कहा भी था कि पाठी जी को बुलाने के लिए किसी को भेज दीजिएगा। ऐसे फोन करके बुलाना अच्छा लगता है क्या? सरब जी, एक्चुअली मैं सरब समझाया उसे जाता है जिसे जिम्मेदारी का कोई एहसास हो। तुमने तो कहा था 2 बजे तक आनंद कारज हो जाएगा। लुक एट योर वॉच, इट्स ऑलमोस्ट 2 o'clock। कहाँ है पाठी जी? मैं उन्हें अभी कॉल करती हूँ। पाठी जी का फोन तो ऑफ जा रहा है। उन्हें बुरा लग गया होगा मैं जी, मैं बुला के लाता हूँ। सरब जी जी, मैं भी चलती हूँ। मिस्टर संधू, किसी को हिंट तक नहीं है यहाँ क्या होने वाला है। सब कुछ हमारे प्लान के मुताबिक हो रहा है। ओ पाठी जी, तुसी इत्थे आ गए। ओ मेरी कुड़ी ते जॉय जी तुहानूं लैण गए ने। ओ जी, मेरे फोन दी बैटरी खत्म हो गई सी। ओहो, फोन ते चार्ज कर दिया करो तुसी। ओ चार्ज कित्ता सीगा जी। हेलो सर, पाठी जी ते घर आ गए ने, मेरे को लेके जल्दी घर आ जा। मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है जी, मुझे और भी जगह पे जाना है। मैंने पहले ही कहा था आनंद काज टाइम से शुरू होगा। सर पार्टी जी गुस्सा हो रहे ने, तुसी लोग कितनी देर तक आ रहे हो? दी आप पार्टी जी से बात करवाइए। अच्छा एक सेकंड। पार्टी जी आप अनंत कारज की तैयारियां शुरू कीजिए, हम थोड़ी देर में आ रहे हैं। ओ बिट्टू, पार्टी जी नु अंदर ले जा। इसे कहते हैं सोने पे सुहागा। पार्टी जी यहाँ पर है और सरबजीत वहाँ भागा। मैं हुणे कुड़ी मुंडे नु लेके आनी आ। जाओ जी जल्दी जाओ। हे वाहेगुरु जी, तेरा लख लख शुक्र। हुन होएगा राने ते किन्नी दा व्याह, ते दुनिया सड़के हो जाएगी स्वाह। शुक्र है रानी, आप बच गए। नहीं रबदा नहीं, तू सरब पाजी और मेहर का शुक्रिया अदा कर। अगर वो लोग सही टाइम पे आके गेम ना पलट देना तो तेरी शादी हो रही होती है उस रामपुर पैरी से।
राणे, तूने बताया नहीं पैरी का क्या हुआ? क्या हुआ बेबी? इस ख्यालों में खोई हुई। रॉबी, ये लड़की मुझे गिन्नी नहीं लग रही है, और ये लड़का भी राणा नहीं है। लो जी, आनंद कार्ड की रस्म पूरी हो गई। रुको पाठी जी, कौन हो तुम दोनों? अरे ये क्या मजाक है, ये मेरा बेटा पैरी है। जुआई जी, मेहर पुत्र, ऐसा की हो रहा है? संधू साहब, आप तकलीफ करेंगे सबको बताने की कि मैं खुद बताऊं? ओए राणा किथे? राणा ऐथे ऐथे। इंस्पेक्टर साहब, ले जाइए संधू को। लो जी, हो गया राणे और गिन्नी का विवाह। खुशियों को हेलो हाय, टेंशन को बाय बाय। यूवी, तू यहाँ क्यों आया? मेहर मम्मा को बाय नहीं बोलेगा क्या? ओ लल्लू, मेहर बुआ को बाय तू बोल। मैं मेहर बुआ को वापिस ले जाने के लिए गाड़ी स्टार्ट कर रहा हूँ। मेहर मम्मा कहीं नहीं जाएगी। ऑफकोर्स आपको जाना पड़ेगा मेहर, वो भी वापिस अपने पेके, क्योंकि अभी भी छोटे से बांदरू को पैदा होने में 30 दिन यानी कि 720 घंटे यानी कि 44,000 मिनट्स यानी कि हाँ पता है, आपकी मैथ्स बहुत स्ट्रॉंग है। सिर्फ मैथ्स नहीं, खुद भी ये जट बहुत स्ट्रॉंग है मैथ्स। सिर्फ फिजिकली, ये जट इमोशनली बहुत वीक है। ऐसी आपको पता है, आप दुनिया की पहली लड़की है जो शादी के फौरन बाद अपने मायके जा रही है डिलीवरी के लिए। आप दुनिया की पहली लड़की है जो 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 यस 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 पहली बार मैंने आपको लाजवाब कर दिया। पहली बार यस यस यस। मिस्टर जटिन टॉयलेट, जटिन बाथरूम, जटिन बाथटब, कुछ भी बोल लीजिए मैच। आज तो मैं आपसे जीता हूँ। ये अमृतसर का चीता आज जीता है इस अटारी की शेरनी से। नहीं, ये पड़ता है, कॉकरोच से डरता है। तुसे जा रहे हो, तुसे ना जाओ ना। जाना तो पड़ेगा ही। ओ गॉड, मैंने गिनी और राणा को तो कंग्रेचुलेट करा ही नहीं। मैं एक मिनट आई। गिन्नी, बुआ मेरे साथ ही जाएगी। नहीं, मेहर मम्मा कहीं नहीं जाएगी। बुआ मेरे साथ जाएगी। पर मेहर मम्मा को कहीं भी नहीं जाने देगा, गाड़ी की चाबी भी छीन लेगा। ओए, तो मैं तो ले
दिखा। तू मेरी मम्मा को नहीं ले जा सकता, ये देख ब्लेक लगी हुई है। अरे बुद्धू, ये ऐसे नहीं, ऐसे नीचे होती है। क्योंकि कुछ तो कर जाती, पीछे जा रही है। वाहेगुरु जी, वाहेगुरु जी, बचाओ बचाओ। सरबजीत जी, मिस्टर गिल, हमारे पास वक्त बहुत कम है और आपने अभी तक नहीं बताया किसको बचाना है, मेहर जी को या फिर बच्चे को। कह रहे डॉक्टर जी, माँ और बच्चे में से किसी एक को। इसमें सोचने वाली बात है ही नहीं, ऑफ कोर्स माँ को ही बचाना है। मगर हरलीन जी, पापी जी, इसमें अगर मगर की गुंजाइश ही नहीं है। और क्या, वो देखना सर, पाजी ने सिर्फ मेहर को ही बचाना है। मेहर जी कहिए ना इसे एक बार और किक मारे। कमान बांद्रू, किक मान। कोई गल, जब आप बाहर आओगे ना तब पापा आपके साथ फुटबॉल खेलेंगे। मिस्टर गिल, आपने अभी तक ये फॉर्म नहीं फिल किया, प्लीज टिक करके साइन कर दीजिए। तेरी किस्मत जो लिख गया से कुछ हो नहीं सकदा। अगर वो साथ रहता जो उसकी मेहर है तुझ पे तो मिल जाए। मुझे चाहे कुछ भी हो जाए सरबजीत जी, लेकिन इससे कुछ नहीं होना चाहिए। पापा, आपने हमसे पक्का वाला प्रॉमिस किया था कि मैं मम्मा छोटा बेबी को घर लेके आएंगे। मिस्टर गिल, ये फैसला तो आपको ही लेना पड़ेगा और आपके फैसले से कुछ भी हो जाए सरबजीत जी। सारी गलती भी वो परम की थी। वो नहीं यहाँ परम,
के वजह से मेर मम्मा को उई हो गई। सारी गलती परम की है, मेर मम्मा को ठीक कर दो ना। हौसला नहीं छोड़ी रहा, ओके? बाबा जी है ना, हाँ? उन पे भरोसा रखो, बाबा जी सब ठीक कर देते हैं। आप ना, आप बाबा जी के सामने अरदास करो कि बाबा जी मेरी मेहर मम्मा और छोटे बेबी दोनों को ठीक कर दो। आपको पता है बाबा जी के सामने अगर सर झुकाए कोई खड़ा रहे ना तो बाबा जी उसे इशारा जरूर देते हैं। आपने अभी तक ये फॉर्म नहीं फिल किया, प्लीज टिक करके साइन कर दीजिए। पापा जी को इशारा करो ना, पापा जी को इशारा करो ना प्लीज। सच्चे बादशाह, आपने मुझे परम के जरिए इशारा तो दे दिया, लेकिन मैं इस इशारे को मानकर उस मासूम को कैसे जाने दो जिसके इंतजार में महर जी ने हर पल हर घड़ी उसका इंतजार किया। कैसे जाने दो उस बच्चे को, बताइए बाबा जी। वो तो मेरी टीम, वो तो मेरा पार्टनर है, मेरा पार्टनर है।